कमल हसन का कल एक बयान आता है कि भारत आजाद भारत का पहला आतंकवादी एक हिंदू था, उनका इशारा गोडसे की तरफ था। सीधा सीधा नाम लेते हुए ही उन्होंने कहा एक तरीके से कि गोडसे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की वो एक पहले आतंकवादी थे। मेरा सबसे पहला सवाल कमल हसन से और जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या कमल हसन ने कभी भी अपनी पूरी लाइफ टाइम में या किसी ने भी, कांग्रेस वालों ने या लेफ्ट ने, किसी ने भी ये एक्सेप्ट किया है जिंदगी में एक बार भी कि जो इतने लाखों की तादाद में देश दुनिया में बम फट रहे हैं, इनको फोड़ने वाले जो मुसलमान हैं, इनका धर्म इस्लाम है, क्या इन्होंने कभी एक्सेप्ट किया कि इस्लामिक आतंकवाद भी कुछ होता है? लेकिन जब उनसे उस बारे में कमेंट मांगा जाता है तो हमेशा ये आके मतलब टीवी पे कहते हैं कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। तो उनको अगर आतंकवाद का धर्म नहीं नजर आ रहा था तो कल उन्होंने अचानक से कैसे धर्म पता कर लिया गोडसे का, पहली चीज। दूसरी चीज, 84 में सिख राइट्स हुए और उससे पहले कह रहे थे मनमोहन सिंह कि हमारे यहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई हैं। मुझे जब दोनों चीज़ें मैंने रिलेट की तो मुझे ऐसा फील हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक्स हम लोग यहाँ जहाँ तक जानते हैं बीजेपी राज में आतंकवादियों पे ही हुई है सबसे ज़्यादा, और जब इंदिरा गांधी को मारा गया दो सिखों द्वारा तो उन लोगों को समझ में आ गया कि सिख आतंकवाद है, तुरंत समझ में आ गया। जब दो लोगों ने मारा तो तुरंत समझ में आ गया कि सिख आतंकवाद नाम का कुछ होता है, और पूरे पंजाब में सर्जिकल स्ट्राइक कर दी और 3,000 के आसपास सिखों को मारा। उनको उस वक्त पता चल गया, मुझे लगता है उसी सर्जिकल स्ट्राइक को ये अब दोहराना चाह रहे थे कि हाँ हमारे यहाँ भी सर्जिकल स्ट्राइक हुई है। 84 में हुआ तो हुआ। एक हिंदू अगर किसी का कत्ल करे तो हिंदू आतंकवाद का धर्म पता चल जाता है आपको, दो सिख मारें किसी को तो उनका धर्म पता चल जाता है आपको। लेकिन जो हजारों की तादाद में बम जो फट रहे हैं पूरी दुनिया भर में, भारत में ही करीब, मेरे आंकड़े नहीं है, मतलब 1,000-5,000 के आसपास आज तक पूरे भारत में फटे हैं, तो तब किसी ने एक बार भी नहीं कहा कि ये इस्लामिक आतंकवाद है। किसको खुश करना चाहते हो भाई, किसका वोट बैंक बनाना है? और जिसका बनाना है ना उसको भी आप अपनी पॉलिटिक्स के हिसाब से कब लात मार दोगे, वो बेचारा वो भी पछताएगा। कमल हसन की बात कंटिन्यू करते हुए मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी लेकिन मैं एक चीज़ कह के ख़त्म करूँगा कि कमल हसन ने जैसे बहुत आराम से गोडसे को बना दिया आतंकवादी, फिर हिंदू आतंकवाद, महात्मा गांधी की एक बात से मैं इस किलिंग को लिंक करना चाहता हूँ। मैं इसको जस्टिफाई नहीं करता, किसी की भी जान लेना कहीं से भी सही नहीं है, चाहे क्या मोटिव हो क्या मुझे नहीं पता। महात्मा गांधी की ये बात मुझे याद है कि उन्होंने कहा था मैं इस देश को बटने नहीं दूंगा, अगर ये देश बटेगा तो मेरी लाश पे बटेगा। देश तो बट गया, फिर गोडसे ने सोचा कि गांधी तो जिंदा है, उसके बाद क्या हुआ सबको पता है। तो जो हमारे फादर ऑफ नेशन कहलाते हैं, जो बहुत लोगों को लगता है कि हमारा देश पैदा ही हुआ था 71 साल पहले 1947 में, और यही बात भारत पिक्चर में भी दिखाई गई है, तो ये सब जो ये जो माहौल चल रहा है, क्या देश इतना बच्चा है क्या अभी हमारा, ये जो हमारी संस्कृति है 1,000 साल पहले की, तो लोग इसको छोटा करने में क्यों तुले हुए हैं भाई? और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, ये हिपोक्रेसी बंद करो, दूसरे को खुश करने के लिए अपनी पॉलिटिक्स चमकाना बंद करो। आपकी पॉलिटिक्स के चक्कर में आप डिवाइड करने के लिए बैठे हो, और टाइम्स मैगजीन में निकलता है कि मोदी डिवाइडर है। मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि हिंदुओं को वोट दो, लेकिन आप लोग कहते हो आके, जो लेफ्टिस्ट हो जो लिबरल्स हो, वो आप लोग आके कहते हो कि धर्म के नाम पे वोट दो। सिद्धू आके कहता है, कमलनाथ आके कहता है कि हमको वोट दो, सारे मुस्लिम एक हो जाओ, तब नहीं नजर आता कि डिवाइडर कौन। दो कौड़ी का कन्हैया कहता है कि देश के टुकड़े करेगा, तब नहीं नजर आता कि डिवाइडर कौन है। खैर आज के लिए इतना ही, वीडियो चलिए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी चीज़ों से आप अगर आइडेंटिफाई करने लग गए तब तो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है जो बहुत समय से बताने में तुली हुई है कि हाँ आतंकवाद होता है, इस नाम का होता है, इस धर्म का होता है, लेकिन आपको कोई चिंता नहीं है, आप उसको वोट बैंक के चक्कर में बचा के रखे हो। लेकिन जो एक दो किस्से हो जाते हैं उससे आपको पूरे धर्म पे एक उंगली उठाने का मौका मिल जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।